दवा कितनी कड़वी क्यों ना हो, बीमारी से बचने के लिए नहायत ही जरूरी है। और शक्कर कितनी ही मीठी क्यों ना हो, हद से बढ़ जाए तो बीमार बना देती है। प्यारे दोस्तों, एक बहुत गरीब इंसान था, बहुत दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं था और बीमारी की वजह से बदतर उसकी हालत हो रही थी। इसकी वजह से उसने सोचा एक अमीर आदमी के पास जाकर उससे मदद की दरख्वास्त करें। और वो एक अमीर आदमी के पास जाता है, उससे अपने तमाम बात सुनाता है और उससे मदद की गुहार लगाता है। लेकिन वो अमीर आदमी नहायत ही बदमिजाज, बदतमीज और घमंडी था। उसने फौरन ही उसकी मजाक उड़ाई और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा गरीब इंसान पहले से ही दुखी था, अब वो और परेशान हो गया। उसने उस अमीर इंसान से कहा, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुझे इतनी माल और दौलत दी है, तुझे चाहिए कि गरीबों की मदद करे और तू मुझे खाली हाथ लौटा रहा है। इतना सुनना था कि उस अमीर आदमी ने अपने नौकरों को बुलाया और उस गरीब आदमी को घर से बाहर निकालने के लिए कहा। नौकरों ने उस गरीब आदमी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दौलत हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ दिनों बाद उस अमीर आदमी के कारोबार में नुकसान होने लगा। धीरे धीरे उसकी तमाम दौलत खत्म होने लग गई और यहाँ तक कि उसका घर, उसके रिश्तेदार और उसके नौकरों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, उसकी शक्लो सूरत भी बदलती चली गई। उसके नौकरों में से एक नौकर ने एक सखी रहम दिल इंसान के यहाँ नौकरी कर ली और अपने दिन गुजारने लगा। इत्तेफाक से वह आदमी भीख मांगता हुआ उस सखी इंसान के जब घर पर पहुंचा तो उस सखी इंसान ने अपने नौकर से कहा, मुझे ये बहुत ही कमजोर और भूखा लगता है, तुम इसे खाना दो। जैसे ही वो नौकर उस गरीब इंसान के पास पहुंचा तो एक चीख मारकर रोने लगा। सखी इंसान उसके पास आया और कहा, क्यों रो रहे हो? इस पर उस नौकर ने कहा कि एक वक्त ये मेरा मालिक हुआ करता था और इस शहर का सबसे बड़ा रईस इंसान था, लेकिन आज मुझे इसकी यह हालत देखकर बहुत अफसोस होता है। इस पर उस सखी आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, इसे मैं भी पहचान गया हूँ, ये बहुत ही घमंडी था। एक वक्त मैं अपनी गरीबी के आलम में इसके वहाँ मदद के लिए गया था, लेकिन इसने इनकार कर दिया और अल्लाह ताला ने आज इसे मेरे वहाँ मदद के लिए पहुँचा दिया। ये अल्लाह का इंसाफ है। दौलत हमेशा के लिए नहीं होती और हमेशा किसी के लिए नहीं होती। ये उन्हीं लोगों के लिए होती है जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, दूसरों का माल हड़पते हैं और अपनी दौलत पर घमंड करते हैं। एक ना एक दिन उनसे ये दौलत लूट कर दूसरों के पास चले जाती है। और जो लोग खुले दिल से दूसरों की मदद करते हैं और अल्लाह ताला से डरते रहते हैं, अल्लाह ताला की दौलत का शुक्र अदा करते हैं, ये दौलत उनके पास हमेशा के लिए रहती है।